वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली तो कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो जी आप आज मेरा जो ब्लॉक है वो मैं कपड़े सिलाई करने से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है तो आप मैं काफ़ी दिनों से ये कपड़े जो है सिलाई कर रही थी तो बस मेरा एक कैपरी रह गया था उसके बीच में हमने सफ़ाइयाँ स्टार्ट कर दी थी क्योंकि ईद बहुत ज़्यादा करीब थी तो एक कैपरी था उसकी डिज़ाइनिंग करनी थी बस मैं उसी के लिए बैठी थी कि चलो फटाफट से इसको भी वाइंड अप कर लूँ क्योंकि उसके बाद सफ़ाइया जो थी वो भी मैंने क्लियर कर ली थी पर्दे शर्दे सारा कुछ लगा लिया था काफ़ी काम करने वाला था वो सारा किया था उसके बाद मैंने मशीन रख ली थी और अचानक से हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी बाजार जाना था तो अचानक मोड़ बढ़ गया कि हम लोग बाज़ार चलते हैं तो अभी ये कपड़े ये कैपरी जो है वो स्टिच करोगे तो उसके बाद हमने बाज़ार निकलना है क्योंकि खाना शाना भी बनाना है तो खाना भी घर में बनाएंगे तो हमारे घर में जो है वो ईद की प्रॉपर तैयारियाँ की जाती हैं हम लोग ये नहीं करते कि बस ईद आ गई है तो गुजारने गुजारने वाली बिल्कुल बात नहीं होती हमारे घर बिल्कुल इंजॉय किया जाता है तो अभी बाजार चलते हैं फिर बाजार चल के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या खरीदना है A few तो जी बस ये देखिए जी हम बाज़ार पहुंच चुके थे आज मैंने रास्ते की वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई क्योंकि मैंने बार बार आपको जब हम लोग जब भी मेरे ब्लॉग में आती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग बाज़ार जा रहे तो मैंने कहा चले बाज़ार पहुंच के फिर ही मैं आपको दिखाती हूँ तो हमने काफ़ी ज़्यादा काम करने थे छोटे छोटे कुछ दुपट्टे थे वो डाई करवाने थे कुछ चीज़ें लेनी थी कुछ अमीन ड्राई फ्रूट्स लेने थे कुछ मेकअप की चीज़ें लेनी थी क्योंकि ईद बहुत करीब थी तो अभी सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगी लेकिन अभी जो है पहले आप लोग हमारे बाज़ार का विज़िट कर लें तो ये देखिए जी मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने तो अम्मी जो थी वो ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए रुकी थी तो अभी बस पैक करवा रहे हैं हम लोग बस ड्राई फ्रूट ले लिए थे तो हम लोग अब कास्टमेटिक की तो शॉप पे जा रहे थे तो वहाँ जो थे वो वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे तो इस वजह से मैंने वहाँ वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई जो चीज़ें बनाई ली थी आ, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी कि हमने कास्टमेटिक की शॉप से कौन कौन सी चीज़ें ली थी क्योंकि वहाँ पर वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने नहीं दे रहे थे तो हमने पहले बाजार आगे जाने से पहले हमने दुपट्टे जो थे वो डाई करने के लिए दे दिए थे रास्ते में वो भी पकड़ने जाते थे वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने कहाँ दिए थे तो बस ये देखिए हम बाज़ार चलते जा रहे हैं और माशाल्लाह से हमारे बाज़ार की जो शॉपिंग है वो बहुत ही मशहूर है दूर दूर से लोग करने आते हैं आ, बरी का सामान छहस इसका सामान बहुत ही अच्छा मिलता है यहाँ से बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं और हम लोग भी अपने गाँव को छोड़ के हम लोग बाज़ार आते हैं क्योंकि हमें आ, स्टार्ट से जब हम छोटे छोटे तब भी अम्मी और अबू जो थे वो शॉपिंग करते थे अब हम लोग करते हैं आप ही करती थी हमारे साथ तो अब आप ही की शादी हो गई थी तो इस वजह से मैं और अम्मी अबू आए हुए थे तो आप ही को जो थे वो अम्मी बहुत मिस कर रही थी तो बस अभी अब्बू के साथ आए थे थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेंगे तो यहाँ जो थे हमने दुपट्टा टाई करने के लिए दिया था मैंने आपको बताया था तो वो अंकल जो थे वो दुपट्टा टाई करके वो हमें दे रहे थे तो हमने दुपट्टा लिया था तो फिर हम लोगों ने बस डॉलर शॉप पे हमें गए थे मैं कहती है कि मैं कुछ चीज़ें देख लूँ अभी एक विजिट कर लेती हूँ वैसे लिया तो यहाँ से कुछ भी नहीं था बस ऐसे विंडो शॉपिंग की थी लेकिन जो भी था ज़्यादातर बच्चों की चीज़ें थी इसमें इस वजह से हमारा कोई काम नहीं था तो बस अम्मी ने एक दफ़ा राउंड किया तो फिर हम लोग बाकी निकल चुके थे घर के लिए तो रास्ते में जाते जाते मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा बाजार में रश था इतना ज़्यादा रश था कि बंदे गर्मी से नढाल हुए हुए थे तो हमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो रस्ते में जाते जाते हम जब भी बाज़ार आते हैं तो फ़ालसे वाली शॉप से फ़ालसे का या मैंगो का शेक जरूर पीते हैं तो फालसे का जूस जो था वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग पीते हैं तो जब भी बाज़ार आते हैं तो पहले आप पी आती होती थी हम लोग एक गिलास पी लेते थे, थे वो दो गिलास पीती थी इस दफ़ाथ है साथ तो इस वजह से हम जाते जाते लाजमी पियेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हम लोग फासे का जूस पियेंगे तो वो कैसी शॉप थी और कहाँ से लेते हैं तो अभी ये देखिए हम ऊपर आए थे यहाँ इनके पास बर्तन बहुत अच्छे थे तो बस मैंने कहा चले मैं एक दफ़ा वीडियो बना लेती हूँ आपको दिखाऊंगी कि इनके पास कैसे बर्तन थे वहाँ यहाँ से कुछ लिया था हमने अच्छी चीज़ें थी इनके पास जुड़ली भी थी बर्तन भी थे और बस तो थोड़ी बहुत ये प्लास्ट के बर्तन थे, थे उसके बाद मैं आपको ज्वेलरी भी दिखाऊंगी इनके पास ज्वेलरी भी अच्छी थी लेकिन ये है कि डॉलर्स का मेकअप तो यूज़ नहीं करना चाहिए मेकअप हम तो लोग बिल्कुल भी नहीं हुए यहाँ से यूज़ करते रोक कर शब से कुछ भी नहीं लिया था बस ऐसी अम्मी को तो शौक था कि चले हम राउंड कर लेते हैं एक दफ़ा बाज़ार आए हो तो आपको पता है कि सबका दिल दिल्कत है कि यहाँ भी घूमे यहाँ भी घूमे लेकिन यह था कि चीज़ें देखनी थी कि चलो बच्चों के लिए कुछ छोटी मोटी ज्वेलरी ले जाते हैं लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी तो इस वजह से हमने नहीं ली तो मैंने कहा चलो आपके लिए ब्लॉग में डाल लेती हूँ कि क्या क्या था यहाँ तो जो लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि ये डॉलर शॉप कहाँ है तो वो यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं बहुत अच्छी इनके पास चीज़ें थी न बस अभी मैंने आपके साथ अपने ड्रेस की स्टिचिंग दो थी वो शेयर करनी थी डिज़ाइनिंग शेयर करनी थी वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी तो आप काइंडली प्लीज़ मेरे जो चैनल वीडियोस को देखते हैं वो लाइक भी करें सब्सक्राइब भी करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो कुछ लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते सब्सक्राइब नहीं करते मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ तो भी आज आप मेरे बाज़ार की वीडियो को एंजॉय करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है मेरे चैनल को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे मेरी वीडियो को शेयर करेंगे मैंने कहा चले जाते जाते आपके लिए मैं वीडियो बना देती हूँ कि यहाँ से कैसे ड्रेस मिलते हैं कैसे जूलरी ब्राइडल ड्रेस बहुत अच्छे थे हमने आप ही की शादी के जो ड्रेसेस बनवाए थे वो यहाँ से ही बनवाए थे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको शादी के ड्रेसेस देख रहे हैं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में मैसेजेस करें कि हमने बारात का जोड़ा वलीमे का जोड़ा मेहंदी का जोड़ा देखना है तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो लास्ट में लेकर आऊँगी और कुछ ज्वलरी लेनी थी अम्मी ने शादी ईद के लिए तो वो ले रही थी अम्मी तो मैंने कहा चला यहाँ भी मैं वीडियो बना लेती हूँ थोड़ी सी तो और गर्मी इतनी ज़्यादा थी बहुत ज़्यादा गर्मी थी एक दिन पहले ही बारिश हुई है तो अब लगता था कि जैसे सर्दियाँ हो गई बारिश कभी हुई नहीं उसके बाद ये भाई लोगों के कॉटन के ड्रेसेस थे उसके नीचे बनियान वगैरह लेनी थी वो वो हम भी लेने के लिए रुके तो उसके साथ एक क्लचेस की शॉप थी मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से कितने अच्छे अच्छे क्लचेस मिलते हैं बैग्स मिलते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं हमारे बाजार से आप उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आ रही होंगी ये देखें जूते शूते सारा कुछ और बस चलते चलते मैंने कहा चलें आपके लिए बस अब वो कहते थे निकलो निकलो बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा देर भी हो गई है तो मैंने कहा चलें आपके लिए जाते जाते एक वीडियो बना देती हूँ कि जो लोग बाज़ार को भी देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी जी चीज़ें कैसी कैसी वराइटीज़ आई हुई हैं तो वो देख सकते हैं तो उसके बाद हम लोग निकलते निकलते मैंने आप बताया था हम लोग फांसे का जूस पिएंगे तो बस फालसे वाले के पास पहुँचे थे यहाँ से हम लोग लाजमी जूस पीते हैं जब भी गर्मी लगती है पूरे बाज़ार में से कहीं से नहीं पीते इनसे आकर पीते हैं तो बस जिस डिस्पोजिबल ग्लास में हमने डलवाया था लोग शीशे के ग्लास में भी डलवाते हैं लेकिन हम लोग उसमें नहीं पीते क्योंकि आपको पता है कि वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है जैसे तो हम तो बस अब हम लोग वापस जा रहे थे तो अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था और रश भी इतना ज़्यादा था बहुत ज़्यादा रश था तो अभी घर चल के तो फिर मिलते हैं तो जब मैं घर पहुंची थी, थी तो वहाँ मेरी छोटी सी जो थी वो चाट बना रही थी अनार वगैरह डाल के तो बस वो बना रही थी वो कहती है आप भी मेरी भी वीडियो बना लो तो मैंने उसकी भी वीडियो बना रही तो बस अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में अगर आपने मेरा ब्लॉग को एंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अल्लाह हाफिज़ मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा और आके आपके लिए बहुत ही मज़े मज़ेदार ब्लॉग्स आने वाले हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है